शांतिनाथ परमात्मा के इस प्राचीन तीर्थ के अंदर इस पावन तीर्थ की स्पर्शना करके मन आनंदित और प्रसन्नचित होकर परम श्रद्धेय गुरु जी श्री निकुंज गुरु जी के माध्यम से अंजनशाला का पान प्रतिष्ठा होने वाली उस परिसर के भूमि पूजन और क्षेत्र पूजन के पावन प्रसंग पर आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए। मंत्र की महिमा का अनुसार, शास्त्रों के विधान के अनुसार यहाँ पर विधान जरूर किया गया, साथ में संगीत के माध्यम से अनेक विविध रागों का भी यहाँ पर आज उपयोग किया गया। कहा जाता है कि मंत्रों से देवता प्रसन्न होते हैं और रागों से भी देवताओं की प्रसन्नता निश्चित झलकती है। पहले के अनुसार जब राग गाए जाते थे, मेघ मल्लार यदि राग गाया जाता था तो मेघ देवता को स्वयं यहाँ पर उपस्थित होना पड़ता था। जब भैरवी राग गाई जाती थी तब निश्चित देवी देवताएं उस रागों को आकृष्ट होते थे। उसी प्रकार इन मंत्रों को एक सामान्य रूप से बोलना और मंत्रों को रागों के रूप से बोलना निश्चित हमारे जीवन के अंदर अद्भुत परिवर्तन का कार्य करता है, और वही कार्य हमारे निकुंज भाई ने एक बहुत ही प्रयास के साथ में जन जन तक को श्रद्धा और आस्था उन मंत्रों पर रहे और उस मंत्र के साथ साथ उनके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन हो, इस हेतु से एक जैन म्यूजिकल थेरेपी का एक ऐप स्टॉल यहाँ पर किया गया है। उसके माध्यम से हम नवकार महामंत्र, वत्सगर्म स्तोत्र, भक्तांबर स्तोत्र, जीरावाला पार्श्वनाथ स्तोत्र, शांतिनाथ स्तोत्र एवं नव स्मरणों के विविध मंत्र जो हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि नमस्कार महामंत्र गिनने से प्रतिदिन हम नमकार गिनते हैं तो निश्चित हमारे जीवन में शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है। उसी प्रकार यदि कोई इन म्यूजिक थेरेपी को सुनता है, एक घंटा श्रवण करता है तो निश्चित उसके जीवन के अंदर और जो जिस प्रकार व्यक्ति को रोगी को सिलेन चढ़ाने से, बोतल चढ़ाने से, इंजेक्शन लगाने से उसके शरीर के अंदर रोग का नष्ट होता है, उसी प्रकार इन मंत्रों को श्रवण करने से भी उसके जीवन के अंदर बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। इसी प्रकार यह जैन म्यूजिकल थेरेपी जो ऐप इंस्टॉल किया गया है उसे आप अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करें और उसको श्रवण करें, साथ में उसका एक घंटे का श्रवण आप करने से निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन होगा। इसी के साथ साथ भक्तांबर स्तोत्र का एक विशेष अनुष्ठान मध्य प्रदेश के पावन एक शहर के अंदर आगामी माह के अंदर यहाँ पर हम करने वाले हैं, जिसके द्वारा जन जन तक को एक श्रद्धा का, विश्वास का एक मंत्र के रूप में उनके ऊपर विश्वास बढ़े और वह श्रद्धा से नवकार और भक्तांबर का स्मरण करें। ऐसा एक घंटे का हम देवास या इंदौर या उज्जैन मध्य प्रदेश का एक ऐसा एक सेंटर लेंगे जहाँ पर लोग आकर उसका श्रवण कर सके। साथ ही बच्चों की स्मृति बढ़े इसलिए भी हम एक अनुष्ठान करने वाले हैं। इसके अंदर आप सभी भाग्यशाली और पूरा भारतवर्ष और इस अनुष्ठान को हम दुनिया के हर कोने तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे, जन जन तक ये अनुष्ठान पहुँचे और उससे निकुंज भाई का जो एक प्रयास है उससे सभी लाभान्वित होवें, यही हमारी अंतर की भावना है। आज इस क्षेत्र का भूमि पूजन करके आगामी फरवरी के अंदर अंजनशाला का जो होने वाली है वो निर्विघ्न रूप से यहाँ पर पूर्ण हो, यहाँ के तीर्थ के अध्यक्ष रमन भाई मोन्टेक्स के द्वारा बहुत ही सहकार यहाँ पर प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।